मुझे आप पर यकीन है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं, मुझे आप पर यकीन है, मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन है, मुझे इस मोबाइल पर यकीन है, मुझे अपने दोस्तों पर यकीन है, मुझे अपनी कड़ी मेहनत पर यकीन है, मुझे उसकी जुबान पर यकीन है। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है? इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी अगर बात मैं की है तो आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर बात तुम की है तो आप कहेंगे यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर बात वह पर है और अगर वो मेल है तो आप यहाँ कहेंगे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर वो औरत है तो आप कहेंगे सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। मुझे आप पर यकीन है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। यानी मुझे आप पर यकीन है, मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। यानी मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन है, उसे अपनी कड़ी मेहनत पर यकीन है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर हार्ड वर्क। यानी उसे अपनी कड़ी मेहनत पर यकीन है। मुझे अपनी दोस्तों पर यकीन है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई फ्रेंड्स। यानी मुझे अपनी दोस्तों पर यकीन है, मुझे अपनी कर्मचारियों पर यकीन है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एम्प्लॉयज। यानी मुझे अपनी कर्मचारियों पर यकीन है, मुझे आपकी जुबान पर यकीन है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर वर्ड्स। यानी मुझे आपकी जुबान पर यकीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे जहाँ आप कहते हैं मुझे किसी बात पर यकीन है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या आप कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट www.englishbyalam.com को लॉगिन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।